हूं आपके साथ नवरतन जोशी। आइए डालते हैं नजर दिनभर की खास खास सुर्खियों पर। बीकानेर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध हथियारों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पानी की मांग को लेकर दिखाई बीरूगिरी, वार्ड पार्षद सहित 3 जने चढ़े पानी की टंकी पर। सरकार के सामने बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हुए दंडवत, 2018 का है मामला। बम मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ता पहुंचा मौके पर। कोरोना के दंश से अब जीवन लौटने लगा है पटरी पर, कोरोना जागरूकता को लेकर लाइफ रैली का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। बीकानेर संभाग सहित अनेक राज्यों से बीकानेर के सीमावर्ती इलाकों से अवैध हथियारों के साथ बीकानेर में लोगों का आना जाना जारी है। आज बीकानेर पुलिस ने इसी के तहत पूरी रणनीति बनाने का तथास्थित होने के बाद जामसर बस स्टैंड पर आरोपी मालासर निवासी रामकिशन जाट पुत्र मोहनलाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 पिस्टल, 1 देसी पिस्टल व 105 राउंड के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज भी किया गया है। इसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने बताया है कि आरोपी लंबे समय से पुलिस के रडार पर था। इसकी जानकारी मिलने पर शुक्रवार को आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ 10 से ज्यादा मामले दर्ज है तथा उसकी हिस्ट्री सीट भी खंगाली जा रही है। उनके मुताबिक अवैध हथियारों के संबंध में सूचना एकत्रित भी की जा रही है। पिछले दिनों नोखा में व्यापारी पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी अशोक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ के दौरान हथियार संबंधी जानकारी मिली थी, उसके आधार पर पूरी जांच पड़ताल, अवैध हथियारों से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया गया। भी आप वो दे दो दस्तावेज दे और ले लो भले सीन ऐसा नहीं अभी ये भी कहा जा सकता है सप्लायर है तस्कर है। अवैध हथियारों के संबंध में संलिप्तता पिछले माह में पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। आपके निर्देश थे कि नशीली दवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार, जिसमें कि NDPS में आने वाले समस्त पदार्थ जो कि नौजवान पीढ़ी की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं और साथ में अवैध हथियार जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं, उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। उसी कड़ी के तहत अशोक थालोड़ जो कि पिछले कई दिनों से हमारे राडार पर था और जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर रेंज के कुछ जगहों पर इसके द्वारा 007 नामक गैंग को ऑपरेट करना ही पाया गया था, तो नोखा में कुछ दिन पहले इसने फिरौती के लिए फायरिंग की थी, तो हमने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और फायरिंग के चौथे दिन ही इसको अवैध हथियार एवं इसके कुछ गैंग के मेंबर्स के साथ में दस्तयाब कर लिया। दस्तयाब करने के पश्चात आगे के अनुसंधान में अशोक थालोड़ ने वेपन सप्लाई करने का माना, जिसके तहत जामसर SHO को जो बीचवाल थाना प्रभारी पूरी जांच को देख रहे थे, इन्होंने जहां जहां उसने अवैध हथियार सप्लाई किए थे उसके संबंध में कि तो 3 हथियार तो पूर्व में 3 मुलजिमों के साथ में अवैध पिस्टल दस्तयाब किए जा चुके थे और कल यह है जो रामाकिशन है जामसर थाने का, मालासर गांव का है, इसको 3 वेपन्स और 105 3 अवैध पिस्टल और 105 कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया गया, जो कि इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण सफलता है। शायद इसका जो मंतव्य था वह आने वाले दिनों की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा। इसी ही कड़ी में गंगा शहर थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा, हमारे साइबर टीम के दीपक यादव, ये लोग जो भीनासर फांटा पर पुलिस गाड़ी को टक्कर देकर फरार हुआ था 11 माह पूर्व,
हार्डकोर है रतन सिंह पलाना गांव देशनोक थाने का, इसको एक वेपन के साथ में अवैध पिस्टल के साथ में अरेस्ट किया गया है, जो कि गुटली गैंग वो एक तरह से जो 16 से 22 साल मतलब नाबालिग से लेकर युवा जो व्यस्त हुए हैं उनसे आपराधिक प्रवृत्तियों में उनको प्रवृत्त करता था, उसमें इसकी पूरी संलिप्तता सामने आई है। 10 से ऊपर इसके खिलाफ मुकदमे भी हैं जिसके बाबत भी इसकी HS खोली जा रही है और आने वाले दिनों में अनुसंधान से जो स्थिति स्पष्ट होगी आप लोगों को। आर्म्स एक्ट के 34 मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें 42 मुलजिम गिरफ्तार कर 61 हथियार जब्त किए जा चुके हैं अवैध, और NDPS के अंदर 20 प्रकरण पिछले एक माह में दर्ज हुए हैं जिसमें कि काफ़ी बड़ी मात्रा में 15 क्विंटल के करीब डोडा पोस्ट और 2 लाख के करीब नशीली टेबलेट्स। पानी की मांग को लेकर आज बीकानेर में विरूपगिरी देखने को मिली। इसके तहत पार्षद व 3 जने पानी की टंकी पर पानी की मांग को लेकर काफी समय तक डटे रहे। मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश विभाग की ओर से लिखित में आश्वासन देने के बाद ही तीनों नीचे उतरे। इस दौरान मौके पर तमाशबीनों की भी भीड़ लग गई। वार्ड 7 के पार्षद बजरंग सोखल, रामदयाल पंचाल या भवर सिंह ने बताया कि पिछले एक साल से वार्ड की पेयजल समस्या के लिए विभाग व अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, इसके बावजूद उनकी समस्या आज भी 10 की 10 बनी हुई है। आलम यह है कि रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र के लोगों को इस सर्दी के दौरान भी पेयजल की लत से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते शुक्रवार को अल सुबह रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र स्थित विभागीय कार्यालय में पानी की टंकी पर चढ़ गई। इसकी सूचना मिलने पर कोटगे थाना प्रभारी धर्म पुनिया व महापौर राजेंद्र पवार मौके पर पहुंचे, जहां टंकी पर चढ़े पार्षद व लोगों से समझाइश की, किंतु ये लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद मौके पर पहुंचे विभाग के सहायक अभियंता ने लिखित में आश्वासन दिया कि कल से काम शुरू कर दिया जाएगा, उसके बाद ही तीनों टंकी से नीचे उतरे। वार्ड पार्षद बजरंग सोखल से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। जल विभाग में आके टंकी पे चढ़े हैं हम सारे पार्षद और हमें मांगे हमारी पाइपलाइन डलवाने के लिए है, और आज एक साल से हमें वर्मा जी फिरा रहे हैं। एक साल हो गया उनको पाइपलाइन लेटर पेड लिखित में दिया हुआ। आज आम जनता परेशान है। आम जनता 500 रुपए का अपना टैंकर नकवाती है घर में। हमारे गंगासर वार्ड नंबर 7 में आधे वार्ड में पाइपलाइन है ही नहीं डाली हुई। जनता बहुत परेशान है। आज तो हम आए हैं, ये यदि पाइपलाइन नहीं डालते हैं तो इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। 7 नंबर वार्ड से पूरी जनता को लेके आएंगे, पूरे पार्षद सारे एकल होके एक जन होके आंदोलन करेंगे। वार्ड 26 पार्षद रामदयाल पंचालिया से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। उसमें काफी जगह पाइपलाइन नहीं डाली हुई है, इसलिए चोपड़ावाड़ी वार्ड नंबर 26 में हमने इनको लिखित में दी थी 1.5 साल पहले, लेकिन इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। आज डलवा रहे, कल डरवा। वर्मा जी हमारे को डेली चक्कर कटवा रहे हैं, उन्होंने हमारे को कोई जवाब नहीं दिया है। कहते हैं कि अभी आज डलवाता हूँ, कल डलवाता हूँ। कल हमारे को बोला कि हम 2 मिनट में आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हमारे को कोई कॉल नहीं किया और ना रिसीव किया, इसलिए हम इनसे बहुत परेशान हैं। और कल्ला जी ने भी इनको 2 बार कॉल किया है, दीपक बसल साहब ने इनको, SC साहब ने 2 बार कॉल 3 बार किया है, लेकिन ये इनके आएगी बहुत तानाशाही कर रहे हैं। ऐसे तानाशाही अधिकारी की हम नहीं सुनाई करेंगे, इसलिए हमको तुरंत प्रभाव पे इनकी कार्रवाई की जाए। कितने पास टंकी पे चढ़े हैं हम गंगा शहर के? लगभग अभी तो 3 पार्षद चढ़े हैं, और नहीं ये मांगे मानेंगे तो लगभग हमारा जो भी पार्षद है, सहयोगी पार्षद है हमारे जितने भी है, उप महापौर यहाँ आए हुए हैं और भी पार्षदगण हमारे पास मौजूद पहुंच रहे हैं, और फिर भी नहीं मांगेंगे तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे। और जनता वहाँ से रवाना हो चुकी है, जब तक हमारा समाधान। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। खाओ खिलाओ, रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़ी या चटपटी, स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान माल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का।
अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड bhikaramchanmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन, मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। के बाद फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो गहलोत सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, लेकिन बेरोजगारी का आलम भी सरकार की गले की हड्डी अभी भी बना हुआ है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे धरने पर बैठे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक शुक्रवार को सरकार के सामने दंडवत हो गए। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक किशोर कुमार शर्मा ने बताया कि बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों का चयन वर्ष 2018 में हुआ था, किंतु प्रतीक्षा सूची अभी तक लंबित पड़ी हुई है, जिसके कारण इस सर्दी के मौसम में भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक पिछले 1 सप्ताह से धरने पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लंबित प्रतीक्षा सूची चयन बोर्ड को नहीं भिजवा देता, तब तक उनका धरना व प्रदर्शन जारी रहेगा। यदि इसके लिए उन्हें अनशन की भी जरूरत पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। शारीरिक शिक्षक किशोर कुमार शर्मा से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। प्रतीक्षा सूची की मांग को लेकर सर हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। सर हमें सर यहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा निदेशालय से सर हमें कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पा रहा है। सर जब तक यहाँ से प्रतीक्षा सूची कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं जाएगी, जब तक हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। सर सर यहाँ पे हमने सौरव स्वामी जी से बात की, शिक्षा निदेशालय निदेशक जी से, तो उन्होंने हमें कोई संतुष्टि भरा जवाब अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। सर इसी बदौलत सर हम लोग परेशान होकर इस कोरोना टाइम पे 1 साल से ज़्यादा का हमारा टाइम हो चुका है सर, लेकिन अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड में हमारी प्रतीक्षा सूची भेजी नहीं गई है। सर यहाँ से जब तक यहाँ से कोई सूची जारी नहीं होती, तब तक हम इस ठंड के अंदर हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। सर अगर फिर भी ये लोग कोई सुनवाई नहीं करते तो हो सका तो सर अगले सोमवार से मामला अनशन भी करेंगे। सर बीकानेर में बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बम मिलने की सूचना लाल रेलवे ब्रिज के नीचे बिछी रेलवे लाइन पर बम मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही नाल थाना अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। नाल थाना अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचने के बाद बम मिलने की इतला भी बम निरोधक दस्ते को भी दी गई, जहां समय पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस के वहां पहुंचने के बाद इस कार्रवाई को मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है। अवैध शराब पर कार्रवाई करने में पहुंची पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का मामला सिर डूंगरगढ़ के जखासर गांव में आया है। थानाधिकारी के मुताबिक गुरुवार रात को गश्त के दौरान पुलिस को देखकर गांव के माताजी मंदिर के पास प्लास्टिक कट्टे में शराब लेकर थाने निवासी प्रेम सिंह भागने लगा। उसको पुलिस पकड़ने के लिए अपने कब्जे से अवैध 70 पावे बरामद किए। आरोपी ने इस पर परिजनों को बुला लिया था। ये लोग पुलिस को कार्रवाई का विरोध करने लगे। पुलिस जब आरोपी को पकड़ थाने ले जाने लगी तो वहाँ मौजूद जसू सिंह, बागीरथ सिंह, रणवीर सहित 2-3 अन्य ने पुलिस की गाड़ी पर ईंट व पत्थरों से हमला कर गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। इससे कांस्टेबल कमलेश कुमार के पैर व वाहन चालक ओमकार दास के आंख पर चोट लगी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ करने में लगी हुई है।
बीकानेर को धर्म नगरी यूं ही नहीं कहा जाता। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों को किसी बच्चे या बच्ची को गोद लेने की कवायद तो जरूर सुनी होगी, लेकिन बीकानेर में आज एक अनोखा वाकया देखने को मिला। जी हाँ, बीकानेर के गिरधारी सिंह शेखावत ने गौशाला की एक गाय को गोद लिया है, जबकि गोद ली ही इस गाय का लालन पोषण की जिम्मेदारी भी उठाई है। जबकि यह गाय गौशाला में ही रहेगी व पलेगी, गो संवर्धन की दिशा में इसको अच्छी पहल कहा जा सकता है। गो रक्षा अभियान व कार्यक्रम से जुड़े सूरजमाल सिंह निमराना ने बताया कि यदि इस प्रकार से हर कोई गाय को गोद लेकर उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा ले तो काफी हद तक गौ संवर्धन हो सकेगा तथा इसका भार भी गौशालाओं पर कम होगा। इस मौके पर उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति जिनके घर में गाय रखने के लिए स्थान नहीं है, स्थान अभाव में वो गौशाला की गायों को गोद लेकर गौ संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बीकानेर गौशाला संघ की प्रेरणा से आपने गाय को गोद लिया है। किसने लिया है? ठाकुर साहब हैं इसके, गिरधारी सिंह जी शेखावत। आपने गाय को गोद लिया है और गाय को गोद को एक प्रेरणा का स्रोत के रूप में हम इस चाहते हैं कि आम गोभक्त गाय को गोद लेकर गौशालाओं को संबल प्रदान करें। ये एक सबसे सरल तरीका है गाय को संरक्षण और पोषण प्रदान करने के लिए, तो इसके लिए आगे भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा। हाँ जी, हम इस आज इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि लोगों को आगे प्रेरणा मिले कि जो व्यक्ति गाय नहीं पाल सकता है घर में अपने, जिसके पास में स्थान का अभाव है, वो गौशाला में जाकर किसी गाय को गोद ले ले और उस गाय को गोद लेने के बाद में उसका भरण पोषण अपनी समझ कर करे, ये एक प्रेरणा का स्रोत बने, इसलिए छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। जिला प्रशासन एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना जागरूकता को लेकर लाइव रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना का दंश जैसे जैसे बीकानेर में धीमा पड़ता जा रहा है, वैसे वैसे जीवन पटरी पर उतर रहा है। कोरोना संक्रमण अब बीकानेर में थोड़ा कमजोर नजर आने लगा है, उसी के चलते रोज चिन्हित होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 5 से 10 तक पहुंच गया है। ऐसे में अब बीकानेर के लोगों से कोरोना से मुक्ति की आस जरूर लगी है। इस रैली को रवाना करते हुए महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने कहा कि बीकानेर में मन पड़ा कोरोना फिर हावी न हो तथा रोजाना चिन्हित होने वाले मरीज भी कम हो, इसको लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से लाइव रैली निकाली गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोरोना जागरूकता की दिशा में यह लाइव रैली अंतिम होगी, इसके बाद जागरूकता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा बीकानेर पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से आज कोरोना जागरूकता की बाइक रैली थी, जिसका भी शुभारंभ किया गया। इससे जैसे आप समझ रहे हो, बीकानेर में बहुत ज़्यादा हमने कोरोना पे काबू पा लिया है और ये बीकानेर वासियों की सूझबूझ का ही नतीजा है कि अब हमारे 6 और 5 केसेस आने लगे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस रैली के बाद शायद ये केसेस 0 हो जाए और हमारा बीकानेर बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो जाए। आगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे जागरूकता को लेकर? देखिए, बिल्कुल, नगर निगम हमेशा इस इन कोरोना जागरूकता को लेकर हमेशा तत्पर रहेगा। और अब आप खुद समझते हैं कि बीकानेर वासियों ने हर एक ने समझ लिया है कि हमें मास्क पहनना जरूरी है, कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करनी जरूरी है और जिस तरह से केसेस आ रहे हैं उस हिसाब से तो मेरा मानना है कि बहुत जल्द हम इससे मुक्ति हो जाएंगे। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल घोषणाओं का दौर जहां एक तरफ जारी रहा, वहीं आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर परिसर में सांकेतिक धरना देकर अपना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के बीकानेर पश्चिम इकाई अध्यक्ष पुंसा के नेतृत्व में घरेलू गैस सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन करते हुए महंगाई की ओर सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बिजली बिल, घरेलू गैस सहित पेट्रोल व डीजल पर लगाए गए कर में भारी कटौती देकर आमजन को राहत दिए जाने की मांग की है। धरने में राजेंद्र चौरड़िया, जाकिर हुसैन, रविंद्र शाश्वत, एडवोकेट हनुमान चौधरी सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान
दिन बढ़ रहे हैं और गरीब की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जो बहुत ही गलत है। अगर समय रहते हुए केंद्र सरकार ना देती तो इसकी लाभ संघर्ष किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा और किसानों के साथ हर एक मामले में हम खड़े रहकर केंद्र से कंधा मिला के आंदोलन करें। चलते चलते एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खास सुर्खियों पर। हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध हथियारों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पानी की मांग को लेकर दिखाई बीरूगिरी, वार्ड पार्षद सहित तीन जने चढ़े पानी की टंकी पर। सरकार के सामने बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हुए दंडवत, 2018 का है मामला। बम मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ता पहुंचा मौके पर। कोरोना के दल से अब जीवन लौटने लगा है पटरी पर, कोरोना जागरूकता को लेकर लाइफ रैली का हुआ आयोजन। आज फिलहाल इतना ही, न्यूज रूम से नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज अब तक। नमस्कार। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।